बेटा दे दो रे जल्दी। दो क्वेश्चन दो, ये बताओ मेरे पास पूरा फोटो। नंबर बोलो क्वेश्चन का। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट एंड ब्लू लाइट इफ देयर फ्रीक्वेंसी आर 60 मिनट्स एंड 20 मिनट्स इनवर्स, इज़न्ट इट? क्या करोगे रे? 60 मिनट इनवर्स बोला है ना, तो मिनट इनवर्स को सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं? तो 60 into 60 हो जाएगा क्या? तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600 सेकेंड इनवर्स। ये फ्रीक्वेंसी आ गई क्या? किसके लिए आ गई ये? कौन सी लाइट है ये? वॉयलेट लाइट के लिए ना। और ब्लू लाइट के लिए निकालोगे तो फिर कितना है? 120 का, तो 120 into 60 तो कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 7200 क्या? तो ये इसकी सेकेंड, ये इसकी वेवलेंथ हो गई क्या? ये सॉरी फ्रीक्वेंसी हो गई ब्लू वाली की। तो दोनों, अब क्या निकालना है तुम लोग को? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला तुम लोग को नहीं आता क्या? लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई न्यू क्या? तो सी का वैल्यू 3 into 10 की पावर 8 डिवाइड बाई न्यू। न्यू की वैल्यू कितनी है? फॉर एग्जाम्पल वॉलेट के लिए निकाले लैम्डा फॉर वॉलेट लाइट कितना है? 3600। 3600 है तो अब कर लो इसको, इसको 10 की पावर 2 लेके ऊपर भेज देना, ठीक है? तो और बच्चा क्या, अब इसको 300 से कर लो। 300 से हो जाएगा क्या डिवाइड? ये करो डिवाइड, चलो निकालो आंसर। इसको ऐसे कर लेते ना हम लोग, 300 ठीक है इंटू 10 की पावर, ये ऊपर चले जाएगा +2 तो -2 हो जाएगा, -2 का 6 4। वॉइस कितना आ रहा है? 12 में आंसर नहीं निकालना है। हाँ स्पेशल लेगा तू, पेन अभी तक नहीं मिला देखो। क्लास शुरू होकर कितना टाइम हो चुका है? बाकी लोग पुश कर। 8.33 ऐसा क्या? ठीक है नेक्स्ट वाला पुश कर बताएगा, चल ब्लू लाइट का पुश कर बताएगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। अरे हो चुप हो जाओ, 8.33 का हम लोग किए जा रहे हैं। उसका निकाल ब्लू वाली लाइट का फास्ट। इजी क्वेश्चन है यार, इतने इजी इजी क्वेश्चन नहीं करते तुम लोग। पुष्कर अभी तक नहीं आया बेटा, इतना छोटा सा कैलकुलेशन। लैम्डा ऑफ ब्लू कितना आ जाएगा तुम्हारा? 7200 डिवाइडेड बाय 3। उसका हाफ नहीं आ रहा जो तुम्हारा आंसर है उसके। सिंपल, इतना सोचने की जरूरत ही क्या है? जब ये उसका डबल है 36 का, ठीक है क्या? तो ये अगर 36 का डबल है तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको और डिवाइड बाय 2 कर दो ना, डिवाइड में ना वैल्यू। तो 8 अगर आंसर आया तो उसका आंसर 4 आएगा कि नहीं आएगा? इतना सोच रहे हो, इतना कैलकुलेशन करो, क्या मैथ करोगे? दिस इज नथिंग बट दिस 2 into 3600 क्या? सही है। सो इसको जो डिवाइड करके आंसर आएगा फिर वापस वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ना डिवाइड के अंदर। छोटे छोटे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो सिक्स क्वेश्चन क्या? इफ अ बल्ब इमिट्स 50 फोटॉन्स ऑफ एनर्जी
ईच फोटोन, तो पहले अभी जब तुमने एनर्जी निकालोगे पहले से, ठीक है, सो एनर्जी तुमको दी हुई है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी, तो वेवलेंथ निकल जाएगी। अब ये वेवलेंथ सभी की निकलेगी, ठीक है, क्या तुमको ईच की निकालनी है, चाहिए क्या सबकी निकाल दो, डिवाइड बाई 50 कर देना। तो पहले वेवलेंथ निकालो, चलो एनर्जी से वेवलेंथ निकालो। एनर्जी गिवन है क्या, कितनी दी है बताओ, 1.8 × 10^5 किलो जूल, क्या, तो किलो जूल को पहले जूल में कन्वर्ट कर लो, 1.8 × 10^8 आ जाए बेटा जूल्स, क्या अब फॉर्मूला क्या तुम्हारा, E इज इक्वल टू एच बाई एच सी बाई लैमड़ा, क्या, तो लैमड़ा इज इक्वल टू एच सी बाई ई, तो एच 6.66 × 10^-34 क्या, और इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10^8 क्या, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा तुम्हारा एनर्जी कितनी, 1.8 × 10^8 क्या, तो 6.66 × 3 दैट कम्स टू बी 19 समथिंग, है ना, 19.8 समथिंग, 19.98 आएगा ऊपर का और नीचे का 1.8 है। अब 19 पॉइंट इसको डिवाइड कर लो, इससे करो कैलकुलेशन, तो ये 10^5 ऊपर जाएगा, तो 8 तो ऐसे कट हो रहा है, तो जो भी पावर आएगी -34 में आएगी, करो कैलकुलेट। क्या भाई अनिश, तेरा अभी तक ब्लू का आंसर नहीं आया ना रे, पुश कर, ब्लू का आंसर नहीं आया तेरा, तुम लोग को बोर्ड पे आके करवाना चाहिए एग्जाम्स, तब होगा तुम लोग, तुम लोग क्या करते हो, दोस्तों का चेक करते हो, दोस्त लोग जो लिखते हो लिख देते हो आंसर, बस खत्म हो गया हम लोग का सम्स। और एक फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेगी, क्या बोल रही है, ओके 50 की दी बेस को एक से करके डिवाइड करके 50 से डिवाइड करके वैसे निकाल ले बात, तो ये वेवलेंथ से आंसर देख सेम आ रहा है, ऐसे कर लो 50 से डिवाइड कर लो फिर निकाल लो। सही, बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट, बाकी सॉल्व हो गए, मैं निकालना कैलकुलेट कर लो। (1.11 × 10^33) कुछ तो आ रहा है, -33 माइनस, कितना आ रहा -19 कैसे आएगा रे पागल, एक घदे इधर देख, ये देख 4 बचा, फिर 19 कैसे आएगा, अरे ऐसे सिंपल चीजें मिस्टेक, ऐसे मिस्टेक्स करोगे कैसे चलेगा वहां पे। दिस इज समथिंग विच शुड बी लर्न इन 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड, डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन, कौन सा कहाँ से कैंसिल होगा, ये सब तुम लोगों को 8th स्टैंडर्ड में सीखने चाहिए। 11 पॉइंट समथिंग आ रहेगा, ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो लेके आओ डाउट्स। तुम लोगों का ब्लैक बॉडी रेडिएशन कल शुरू किया था ना हम लोगों ने, खाली हेडिंग ला देगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ठीक है, मतलब 50 फोटॉन्स की एनर्जी है, देखो एक की निकालनी है, एक की वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है ना, वैल्यू कुछ भी है, देखो कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, वैल्यूज तो रैंडम दी हुई है, तो रैंडम वैल्यूज का कुछ भी रैंडम आंसर आए, कैलकुलेशन आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ रहे थे कल हम लोग, ठीक है, सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर तुम लोग को मैंने वीडियो दिखाया था, वो वाला मेटल वाला, मेटल को हीट करते हैं, नेल को दिखाया था ना, बीच में कौन सा कलर रहता है, रेड है ना, पहले उसका, फिर थोड़ा और ज्यादा हीट करोगे तो व्हाइट हो जाता है, फिर ब्लू हो जाता है, ठीक
ठीक है, तो वो हो चुका था हम लोग का. सो अ ब्लैक बॉडी इमिट्स रेडिएशन, सही है का. सो एनी बॉडी, सॉरी, एनी बॉडी विच इज हैव हायर टेम्परेचर देन इट्स एनवायरमेंट विल इमिट रेडिएशन इन द एनवायरमेंट. सो होता यू है कि कोई भी एक ऐसी बॉडी, क्या ना, कोई भी एक, क्या बोल सकते हैं, मटेरियल जिसकी टेम्परेचर जो है एनवायरमेंट से ज्यादा है, वो एनवायरमेंट के अंदर का ही रेडिएट करेगी रेडिएशन. मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए कैंडल है, एक कैंडल है, कैंडल जो होती है तुम्हारी, फॉर मुझे कैंडल बनाना इतना अच्छे आती नहीं, बट देख लो यार. शी, इतना गंदा नहीं होगा यार मुझसे. ठीक है, हवा चल रही से टेढ़ी हो गई. सो ये कैंडल है, दिस कैंडल इन द रूम. ठीक है, इसका जो ये जो क्या बोल सकते हैं फायर है, इसकी टेम्परेचर जो रहेगी, इसकी ज्यादा रहेगी क्या रूम से? रूम टेम्परेचर कितना होता है तुम्हारा? 20 से 25 के बीच में. अब ये जो है क्या बोलते हैं, कैंडल का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा. सो ये जो कैंडल है क्या करेगी, कैंडल मतलब जो फायर है वो, ठीक है, दिस विल इमिट रेडिएशन इन द रूम. सो एनी बॉडी विच हैव मोर टेम्परेचर, ठीक है, सिग्निफिकेंटली मोर टेम्परेचर, एकदम भी हल्का नहीं. जैसे कि हमारी बॉडी, अगर समझो हम बहुत ज्यादा समझो कि क्या बोलते हैं एक्सरसाइज करके आते हैं, तो उसके बाद हमारी बॉडी जो है हीट हो जाती है ना, तो बॉडी हीट हो जाती है, तो हीट होने के बाद हमारी बॉडी में से भी कुछ अमाउंट में रेडिएशन निकलते हैं, बट दैट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, वो बहुत ही छोटे होते हैं. बट एनी हीटेड बॉडी है ना, वो क्या करती है, रेडिएशन इमिट करती है अपने सराउंडिंग के अंदर. क्लियर है? अब दिस हैव गुड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर देन द सराउंडिंग, सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर होता है. अगर इश्यू लगता नहीं होता तो दे कैन चेक, है ना, उंगली डालो उसके अंदर और चेक करो कि क्या बोलते हैं टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है या नहीं. इफ समवन वांट्स टू चेक, प्लीज कम टू मी, आई विल शो यू द एक्सपेरिमेंट इन दिस लैब. किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं होता तो मेरे को बताओ, है ना, माचिस से हम कभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सो ये जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो क्या करेंगे, सराउंडिंग में रेडिएशन इमिट करेंगे. अब ऐसे में से ही आती है ब्लैक बॉडीज. जो ब्लैक बॉडी होती है, अब यूजुअली जितने भी सारे तुम्हारे कोई भी मटेरियल होता है, वो क्या करता है, यूजुअली हीट एब्जॉर्ब करता है पहले, है ना. अब कैंडल को भी तुमने पहले हीट किया होगा ना, है कि नहीं, पहले तुमने कुछ फायर लगा होगा तभी तो जली. तो यूजुअली कोई भी बॉडी जो होती है, फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करेगी, हीट को अंदर अपने अंदर लेती है और उसके बाद हीट को इमिट करती है. सो एनी ब्लैक बॉडी, और सॉरी एनी बॉडी है ना, इट टेक्स हीट है ना इन साइड इट, एंड फर्स्ट एब्जॉर्ब द हीट, एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद धीरे धीरे रेडिएशन इमिट करेगी. पहले कोई इसको गर्म करोगे उसके बाद ना वो रेडिएशन इमिट करेगी, तो पहले उसको हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इमिट. अब यूजुअली क्या होता है कि कोई भी चीज जब हीट को एब्जॉर्ब करती है तो वो परफेक्टली इमिट नहीं कर पाती. इट इज नॉट अ परफेक्ट बॉडी टू हीट इमिट द हीट. मतलब क्या होता है कि समझो मेरे को एनर्जी थी 100 की, 100 की मेरे को एनर्जी थी, तो मुझे रेडिएशन भी कितनी इमिट करनी चाहिए, 100, बट मैं करूंगा क्या, नहीं. तो ये प्रॉब्लम होती है. तो दिस काइंड्स ऑफ बॉडीज आर कॉल्ड एज इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर्स, बिकॉज जो चीज इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर है वही इम्परफेक्ट क्या होंगे, तुम्हारे इमिटर्स होंगे. समझ में आ गया क्या? सो यूजुअली जितने भी बॉडीज होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, इम्परफेक्ट होते हैं, सिवाय एक कलर के. एक कलर एक ऐसा होता है जो परफेक्टली एब्जॉर्ब करता है, दैट इज ब्लैक. ब्लैक इज अ कलर विच कैन एब्जॉर्ब हीट इन अ वेरी नाइस मैनर. सबको पता है ब्लैक सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम लोग गर्मियों में टोपी पहनते हैं, पता है तुम लोगों को, और बाकी टाइम पे टोपी पहनाते हैं. क्लियर है? सो टोपी पहनते, टोपी पहनने का मेन रीजन ही क्या है, बिकॉज क्या होता है, हमारे जो यूजुअली हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं. अब गर्ल्स के पास तो ऑप्शन भी है बालों को कलर करने का, तो बालों को कलर कर लेती है, और कुछ कुछ के तो ऑलरेडी थोड़े थोड़े ब्राउनिश ब्लॉन्ड हो जाते हैं, है कि नहीं, तो ब्राउनिश ब्लॉन्ड हो जाते हैं, तो उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं था. बट मोस्ट ऑफ द बॉयज के जो है, बॉय लोग ऐसे कोई ऑप्शन नहीं, कलर कराते नहीं वो लोग, कराते तो फिर कोमड़े जैसे दिखते हैं, इसलिए वो लोग पसंद नहीं करते कराना, छपरी उपरी लगते हैं, छपरी मौन. सो बेसिकली जो है ब्लैक कलर क्या करता है, हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है ना, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है उसको अच्छे से इमिट करता है. सो ब्लैक इज द ओनली कलर विच एब्जॉर्ब हीट्स. अब ब्लैक के अंदर भी अलग अलग शेड्स आते हैं क्या, है ना, ब्लैक भी कुछ कुछ ब्लैक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, कुछ लाइट ब्लैक होते हैं क्या, थोड़े समझ में आता है, लाइट ब्लैक और डार्क ब्लैक. ठीक है, सो ब्लैक में भी शेड्स होते हैं अलग अलग. क्लियर है? अब ब्लैक में से भी कुछ ब्लैक ऐसे होते हैं जो सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, एंड वन ऑफ द ब्लैक विच एब्जॉर्ब्स हीट्स इन अ वेरी नाइस मैनर इज नोन एज कार्बन ब्लैक. सो कार्बन ब्लैक इज अ ब्लैक विच एब्जॉर्ब्स हीट इन अ वेरी नाइस मैनर. इट एब्जॉर्ब्स अप टू 96%. 96% ऑफ हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर. समझ में आएगा? 96% जो लाइट है, जब लाइट उसके ऊपर भेजोगे तो लाइट में से 96% लाइट जो है वो क्या करता है अपने अंदर, एब्जॉर्ब. नाउ व्हाट इज कार्बन ब्लैक, टेल मी. हाँ, हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के बाद जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है, गुड, साइलेंसर में जो रहता है, सिंपल भाषा में बोलेंगे तो काजल, सही है ना, काजल इज कार्बन ब्लैक.
क्लियर है क्या? बिकॉज काजल क्या होता है, कैसे बनता है, तुम लोग क्या करते हो, दिया जलाते हो क्या? और दिया जलाने का, दिया इज ऑयल, ऑयल के अंदर होता है क्या? और ऑयल और घी आर हाइड्रोकार्बन, सही कहा, ऑयल में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है ना। सो ऑयल को जब जलाते हो तो उससे जो है ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, वो ब्लैक कलर के धुएं को तुम एक जगह पे इकट्ठा करते हो, देखे हो ना गाँव साइड में बनाते काजल, और उसके जो है उसके बाद उसको आंखों में लगाते हो, सही है क्या? अब काजल बनाने का यही तरीका है, ये नॉर्मल काजल बनाने का तरीका है। स्मच फ्री कैसे बनाते हैं वो अलग है, ठीक है? स्मच फ्री के लिए उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, तब जाके वो बनता है, क्लियर? अब बॉयज को नहीं समझ में आएगा स्मच फ्री क्या होता है, बट होता है, ठीक है? ऑक्सीडाइज काजल को बोलते हैं स्मच फ्री काजल। सो क्या बोलते हैं, ये जो काजल होता है उसको जो है वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्लैकेस्ट सब्सटेंस उस वक्त पे था जब क्या बोलते हैं ये एक्सपेरिमेंट किया जा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी के अंदर। तो इस बंदे ने जो है कार्बन ब्लैक का यूज किया, ब्लैक जो है क्या बोलते हैं ये बहुत अच्छे से रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, बट उस वक्त पे 96% एब्जॉर्ब कार्बन ब्लैक। उसके बाद वेन्स नाम का एक बंदा आया, उसने जो है एक कार्बन एक क्या बोलते हैं ब्लैक बॉडी 98% है ना, 98% तक लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब समझ में आता है तुम लोगों को, लाइट पाने के बाद रिटर्न रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है? नेक्स्ट वेन्स के बाद जो है क्या बोलते हैं अभी वेंटा ब्लैक 99.9999%, रिसेंटली डिस्कवर्ड, रिसेंटली मतलब टाइम हो गया, बट 5-6 साल हो गए होंगे आई थिंक सो, या उससे ज्यादा हो गए होंगे। तो वेंटा ब्लैक है ना, सो दिस इज द ब्लैक विच वॉज डिस्कवर्ड विच वॉज मेड, दिस इज मेड बाई कार्बन नैनो ट्यूब्स, कार्बन के नैनो ट्यूब से बनता है, CNT से, ठीक है? सो दिस कार्बन दिस वेंटा ब्लैक इज सच अ ब्लैक कलर दैट इट कैन इवन स्ट्रिप 3D, 3D को भी स्ट्रिप कर सकता है, इतना ब्लैक होता है ये। लेट्स सी व्हाट इज दैट, किसी ने सुना है वेंटा ब्लैक के बारे में? व्हाट इज, ये सब तो सुनना चाहिए, बॉयज को नहीं पता? सी इट्स सो ब्लैक, देखो ये 3D मास्क है क्या, अब इसके ऊपर जब पेंट मार दिया, 2D दिख रहा है क्या, ये 2D दिख रहा है? तो इतना ब्लैक होता है कि जब किसी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट कर दोगे इसको, तो ये 2D चीजें जो है, 3D चीज कैसे दिखती है, 2D, इतना ब्लैक होता है। सी दिस, अब देखो साइड से दिख रहा है क्या मास्क, अब दिखता है क्या 2D, सॉरी 3D दिख रहा है साइड से, साइड से बट देखोगे तो वैसे सामने से देखोगे तो कैसे दिखेगा, 2D। अब देखो इस बंदे ने अपने हाथ पे एक पेप रखा है पेपर, उस पेपर के ऊपर वेंटा ब्लैक लगाया, ऐसा नहीं लग रहा कोई ये क्या बोलते हैं लूप ओपन हुआ है ना, कोई वॉइड ओपन हुआ है, इतना ब्लैक होता है कि जब पेपर हाथ पेपर के ऊपर कलर मारा है तो इतना ब्लैक है कि 3D पूरा स्ट्रिप हो चुका है, पूरा 2D दिख रहा है। सो इट इज सच अ ब्लैक कलर, समझ में आया तुम लोगों, इतना ब्लैक होता है। और ये इसका जो है पेटेंट जो है बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स ने ले लिया है, जैसे BMW ने लेके रखा है, तो BMW की वेंटा ब्लैक कलर की कार्स तुमको दिख जाएगी, देख रही है BMW, तो ऐसे कार्स मिल जाएंगे तुम लोग को। गुची ने लेके रखा है इसका है ना, तो गुची के कुछ जो क्लोथ्स है वो वेंटा ब्लैक कलर के मिल जाते हैं, बट दैट कॉस्ट वेरी हाई। फिर देन अभी जो लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर मेट गाला जो हुआ था, उसके मेट गाला के अंदर कौन थे, मेरे को भी एग्जैक्टली वो याद नहीं सेलिब्रिटी का किसका नाम था, किमी हो गया पता नहीं कौन थी, तो उसने जो है ब्लैक कलर का पूरा सूट पहना था है ना, तो वो भी आई थिंक सो वेंटा ब्लैक का ही था। सो जो है वेंटा ब्लैक जो है अभी कमर्शियली भी आने लगा, इनिशियली इट वॉज मेड सो दैट फॉर द यूज ऑफ द आर्मी, आर्मी पर्पज के लिए बनाया गया था, ताकि आर्मी के जो शिप्स होते हैं, आर्मी के जो बंदे होते हैं वो लोग क्या करेंगे, क्लोथ्स को, शिप्स को, टैंक्स को वेंटा ब्लैक से पेंट करेंगे, तो रात को जो है क्या बोलते हैं जब वो अटैक करने जाएंगे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, समझ में आया? तो रात के वक्त पे जब जाते थे अटैक करने के लिए प्लेन्स को, फाइटर प्लेन्स को, उन सबको ब्लैक कलर से पेंट कर देते थे, अब इतना ब्लैक रहता था दिखता ही नहीं था, ठीक है? तो वो हेल्प करता था बहुत ज्यादा, तो पहले इसके लिए यूज कर रहा था, बाद में जिस कंपनी ने इसको बनाया था उसने इसको सेल कर दिया डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, तो BMW जो है एक वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन फर्स्ट कंपनी थी जिसने इसका पेटेंट लिया था, है ना? बाद में तो अभी फरारी वरारी सब लोग लेने लगे हैं, अब ऐसा पिंक भी आता है वेंटा पिंक, उन्होंने वो भी डिस्कवर किया, वो बहुत अच्छा पिंक होता है, तो वो सब तो बाद में देखेंगे कभी, बट तुमको समझ में आ गया होगा वेंटा ब्लैक क्या होता है, क्लियर है क्या? वो अभी डिस्कवर हुआ है, बट उस वक्त तक तो कौन सा था, कार्बन ब्लैक, काजल ही सबसे काला था। तो काजल को लिया और एक सर्कुलर डायफ्राम जैसा शेप इसके अंदर डाल दिया काजल को,
एक सर्कुलर बॉडी ली, इसके अंदर पूरी कोटिंग लगाई किसकी, काजल की, ठीक है क्या? तो काजल से जो है पूरा अंदर से कोट कर दिया इसको। अब इसके ऊपर जो है लाइट मारी गई, फॉर एग्जाम्पल बल्ब है, ये बल्ब में से लाइट आ रही है, लाइट आएगी सबसे पहले इस वॉल पे हिट करेगी क्या, और बहुत सारी लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब कुछ तो बच जाएगी ना, 4% तो रिफ्लेक्ट होती है ना, तो 4% रिफ्लेक्ट बैक होगी क्या। अब उस 4% में से 96% एब्जॉर्ब हो जाएगी, समझ में आता है, 4% का 96% एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर भी कुछ बच जाएगा क्या। दिस विल ऐसे वैसे पूरी तरीके से लाइट जो है अंदर घूमती रहेगी और एब्जॉर्ब हो जाएगी, और सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब होने का। जब कोई ब्लैक चीज जो है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है, ये गर्म हो जाएगी ना, तो ये बॉडी गर्म होगी नहीं होगी, होगी ना। और उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगी, रेडिएशन इमिट करेगी क्या, और इन रेडिएशन को स्टडी किया गया, इन रेडिएशन को स्टडी किया गया। जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होनी चाहिए, रेडिएशन जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी लाइट की, वैसे वैसे ज्यादा हीट होना चाहिए क्या, जैसे जैसे ज्यादा हीट होगा वैसे वैसे ज्यादा जो है क्या बोलते हैं लाइट रेडिएशन इमिट करेगा। तो ये चीज जो है क्या बोलते हैं देखी गई, और उसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो लेट्स सी व्हाट वाज द ग्राफ, चलिए यहीं पे होगा इसका ग्राफ, सी दिस। सो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे है ना, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे देखोगे तो क्या बोलता है तुम्हारा, ये भी बढ़ रहा है, वेवलेंथ भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बट एक वक्त आता है उसके हद के बाद, इसके बाद जो है ये वापस कम होने लग जाता है। मतलब इसके बाद तुम कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाओ है ना, वेवलेंथ बढ़ेगी क्या, नहीं, उसका क्या होने लग जाएगी, कम। मतलब लाइट जो है कंटिन्यूस मैनर में एक हद तक बढ़ती है, उसके बाद क्या हो जाती है, कम, सही है क्या। सो ये चीज जो है क्या बोलते हैं ऑब्जर्व की गई, और ये चीज जो है ये लाइट, जो लाइट का जो वेव नेचर है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि अगर लाइट वेव है तो वेव कंटिन्यूस मैनर में चलती है क्या, और अगर लाइट कंटिन्यूस मैनर में आ रही है तो एब्जॉर्प्शन भी कंटिन्यूस मैनर में होगा, और जब एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूस मैनर में तो इमिशन भी कैसा होगा, कंटिन्यूस मैनर में। तो ये यहाँ जाके रुक क्यों रहा है और फिर वापस नीचे क्यों जा रहा है। सो दिस वॉज नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ द लाइट, तो वेव नेचर ऑफ द लाइट जो है वो फेल हो जाता है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, समझ में आ गया क्या। तो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, ठीक है, वेव नेचर वाली, वॉज नॉट दैट सफिशियंट टू एक्सप्लेन दिस फेनोमिना, कि क्यों जो है क्या बोलते हैं ये ग्राफ के अंदर एक मैक्सिमा आता है और उसके बाद ग्राफ नीचे चला जाता है फिर से। सो दिस थिंग वर नॉट एक्सप्लेन बाय मैक्सवेल। देन देयर वॉज अ पर्सन कॉल्ड एज मैक्स प्लैंक, ठीक है, मैक्सवेल का भाई कौन, मैक्स प्लैंक, दोनों भाई भाई नहीं थे डेफिनेटली, ठीक है। सो मैक्स प्लैंक नाम का बंदा आया, ये बंदे ने जो है क्या बोलते हैं एक नई थियरी थी, ठीक है। तो ये बंदा जो आया इसका नाम है मैक्स प्लैंक, ये बंदे ने जो है थियरी दी लाइट के बारे में। इसने बताया कि भाई तेरी जो लाइट, तेरी जो थियोरी है वो गलत है, मैक्सवेल को बताया कि तेरी जो थियोरी है गलत है, लाइट जो है यहाँ पे कैसे एक्ट कर रही है, पार्टिकल जैसे, कैसे एक्ट करेगी, पार्टिकल जैसे। तो उसने बताया कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया कि लाइट एक्ट एज अ पार्टिकल, और लाइट के कुछ अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सब चीजें इसने एक्सप्लेन किया, देखेंगे हम क्या क्या। देखो तो ये एक्सपेरिमेंट था, लाइट आती है अंदर और बहुत मल्टीपल टाइम ब्लैक बॉडी के अंदर हिट करती है और रेडिएशन इमिट करती है। सी दिस वॉज द पर्सन मैक्स प्लैंक, ठीक है, ये बंदा था, इस बंदे ने जो है इंट्रोड्यूस किया था कि लाइट एक्ट एज अ पार्टिकल। तो ये चीज जो है इसको मारने के लिए बहुत लोग आ गए थे, क्यों आए थे बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है। सो इसको पहले जब इसने बोला तो बहुत से लोग, जैसे कुछ भंड बात बोलता है कोई तो रिपोर्टर सब आ जाते, तो इसके घर पे भी रिपोर्टर आए थे, बोले तेरा खोटो तो भाई बोल, कोई नहीं बेटा तेरा छोटा है ना, काफी हमारे लिए तेरा छोटा है, बहुत है, ध्यान दो। सो मैक्स प्लैंक जो है क्या बोलते हैं, इसके घर पे लोग मारने आ गए थे, कुछ ऐसी बात बोली थी कि जो लोग इसके घर पे मारने आ गए थे इसको, ठीक है, फिर इसको बचाया किसने वो तो हम सुनेंगे। तो इसके घर पे बहुत सारे जर्नलिस्ट आए, उन्होंने बोला फोटो दो, फोटो दो आपका, ठीक है, इसने बोला नहीं हमको फोटो नहीं खिंचवानी, ठीक है, तो बोला अरे फोटो दो सर, एक स्माइल, नहीं फोटो नहीं खिंचवानी। तो ये वहां से उठ के चला गया, मेरे को कोई फोटो नहीं खिंचवानी, कोई इंटरव्यू नहीं, तो जा रहा था, तो फिर इसने एक भी फोटो दी नहीं, तो किसी ने इसको बोला शिवा दे टकले, ऐसे बोला, तो ऐसे चल के जा रहा था, इसने एकदम से पीछे देखा से घूर घूर के, उतने में इसकी एक फोटो खींच ली। तो देखो ये वही फोटो है, दिख रहेगा, समझ में आया, ये फोटो ऐसी क्यों है, ये फोटो के पीछे की स्टोरी है, अब इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, बट ऐसा ही है मान लो। सो बेसिकली जो है क्या बोलते हैं, मैक्स प्लैंक जो आया, इसने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, कौन सी थ्योरी को, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो थ्योरी है, इसके ऊपर इसने कुछ जो है 8-9 पेजेस का
बहुत बड़ा सारा एक जो है थियरम लिखा, और उसके बाद जो है एक पूरी क्या बोलते हैं बुकलेट लिखी, जिसके थ्रू इसने एक्सप्लेन किया कि लाइट एक्ट एज अ क्या बोलते हैं पार्टिकल, पार्टिकल नेचर बताया लाइट का। तो ये एक पहला बंदा था न्यूटन, जब था न्यूटन बोलता था लाइट जो है वो तुम्हारा कैसे है कॉर्पस्कल्स जैसे होते हैं। कॉर्पस्कल्स समझ में, वो वाला बायो वाला कॉर्पस्कल्स नहीं, ठीक है। तो कॉर्पस्कल्स मतलब तुमने देखे हो जब कोई बंद एक अंधेरे में रूम रूम रहता है, उसके अंदर थोड़ी सी लाइट आती है, तो तुमको कुछ पार्टिकल्स उड़ते दिखते हैं लाइट के अंदर, है ना, व्हाइट व्हाइट कलर के कीड़ों ऐसे, हाँ, उनको वो कॉर्पस्कल्स होते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि लाइट वो, लाइट इज नथिंग बट कॉर्पस्कल्स। क्या होते हैं कॉर्पस्कल्स, मतलब जो है ना कॉर्पस्कल्स जैसे होते हैं, तो लाइट को इसने कॉर्पस्कल्स बोल दिया था, मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो क्या करते हैं, जिन जो खुद लाइट इमिट करते हैं, सही है क्या। तो ऐसे जो है क्या बोलते हैं इसने कॉर्पस्कल्स जो नाम दिया था न्यूटन ने, तो पहले लाइट को कॉर्पस्कल्स ही मानते थे। बट ये जो बंदा आया मैक्स प्लैंक, इसने बोला कि लाइट जो होती है तुम्हारी, लाइट जो होती है वो कैसी होती है, क्वांटाइज्ड होती है। लाइट कैसी होती है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब देखो वेव जो होगी वो वेव कंटिन्यूअस होनी चाहिए क्या। सो वेव जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, बट लाइट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होती। लाइट कैसी होती है, पैकेट के फॉर्म में आती है। कैसे आती है, पैकेट के फॉर्म में। तो मतलब इसके कहने का मतलब क्या था कि लाइट जो है, फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब है, ठीक है, और ये तुम्हारा ब्लैक बॉडी है, और ये तुम्हारा ब्लैक बॉडी का सर्फेस है। तो जो लाइट आ रही है यहाँ से, ये लाइट कैसे आ रही है, पैकेट्स के फॉर्म में। एक एक पैकेट, ये एक पैकेट, फिर दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट, ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में लाइट्स आ रही है, और पैकेट के फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब हो रही है। ये चीज इसने बोली। अब जो है क्या बोलते हैं, जैसे इसने चीज बोली तो लोग इसके घर पे लड़ने आ गए, बोले तू कहाँ का साइंटिस्ट है। बोला इतने तो हम लोग भी बेवकूफ नहीं, हमको भी दिखता है लाइट सीधी सीधी आ रही है। तुमको दिखता है कि लाइट बारिश जैसे गिरती है, पैकेट चो 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 कैसे गिरतीगा, नहीं ना, लाइट सीधी दिखती है ना एकदम स्ट्रेट आती हुई। तो बोला कि साफ दिख रहा है कि लाइट एकदम सीधी आ रही है, इट इज अ स्ट्रेट रे, उसके अंदर कोई भी ये नहीं दिखा कि लाइट पैकेट के फॉर्म में आ रही है। ऐसा दिखता है क्या तुम लोगों को लाइट बारिश जैसे गिर रही है, चल नहीं ना, डिस्क्रीट दिखती है क्या लाइट, नो लाइट इज नॉट डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्या समझ में आता है, अलग अलग। सो लाइट इज नॉट डिस्क्रीट, बट लाइट इज क्या, कंटिन्यूअस, बिकॉज इट इज अ वेव, एंड वेव कम्स इन अ कंटिन्यूअस मैनर। बट इस बंदे ने बोला कि नहीं, लाइट जो है वो कैसी है तुम्हारी, वो डिस्क्रीट मैनर में आती है, पैकेट्स के फॉर्म में आती है। तो इसने बोला कि जो ब्लैक बॉडी रहेगी, जो ब्लैक बॉडी है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है, कैसे, पैकेट्स के फॉर्म में। अब समझो तुमने एक पैकेट को एब्जॉर्ब किया, जिसकी जो है पावर कितनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे चिप्स के पैकेट्स होते हैं, तुमको पता है, तो चिप्स जो है वो पैकेट के फॉर्म में मिलेगा। तुम उसको 1 रुपया दोगे, तुमको चिप्स का पैकेट देगा क्या, नहीं। 2 रुपया दोगे, लेगा क्या, 3 4 5, 5 रुपया देते एक पैकेट देता है क्या तुमको, 5 रुपया देने के बाद 6 रुपया दोगे तो बोलोगे एक और पैकेट दो देगा क्या तुमको, नहीं। 7 रुपया, 8 9 10, सही है क्या। तो पैकेट के फॉर्म में, तो इसने बोला लाइट भी कैसे मिलती है, पैकेट। अब समझो तुमको एक बड़ा पैकेट आ गया, पैकेट तो, अब चिप्स के पैकेट क्या 5 रुपए का ही होता है क्या, एक नहीं, 10 वाला भी मिलता है, 50 वाला भी मिलता है, सही क्या। अब पैकेट्स मिलते हैं अलग अलग, अब इसने जो भी अब्सॉर्ब कर लिया पैकेट, ठीक है, उस हिसाब से इसकी एनर्जी बढ़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल इसने एक 50 वाला चिप्स का पैकेट खाना शुरू किया, किसने, ये ब्लैक बॉडी ने, मतलब इसने अब्सॉर्ब करना शुरू किया, ठीक है, लाइट का एक पैकेट जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 50 की। तो इसका ग्राफ ऐसे बढ़ेगा क्या, धीरे 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 धीरे, और जैसे ही पैकेट खत्म हो गया तो अब एनर्जी कम हो जाएगी क्या, इसलिए तो ऐसा ग्राफ आया, समझ में आया क्या। सो लाइट कैसे अब्सॉर्ब होती है, पैकेट्स के फॉर्म में, कैसे, पैकेट्स। ये चीज इस बंदे ने बोली, लाइट कैसे आती है, पैकेट्स के फॉर्म में आती है, लाइट कम्स इन अ डिस्क्रीट मैनर, नॉट इन अ, ये क्या बोलते हैं, इन अ कंटिन्यूअस मैनर। लाइट इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मतलब स्मॉल क्वांटिटीज के फॉर्म में जो है तुमको मिलती है, क्लियर है क्या। ये चीज को इसने बताया, बट वो इतने स्मॉल होते हैं कि हमको दिख नहीं सकती कि लाइट क्या है, क्वांटाइज होती है, हमारे हिसाब से हमारे नेकेड आंखों से हमको नहीं दिखेगी, इतनी स्मॉल होती है, क्लियर है क्या। सो ये चीज इसने बताया, क्या बोल रहे हो, हमारे नेकेड आंखों से हमको दिखेगी नहीं, इसकी वजह से जो है क्या बोलते हैं है, हम लोगों को लगता था लाइट कंटिन्यूस मैनर, बट ये चीज ने बोली, बट किसी ने इसके बात को भरोसा नहीं किया। इसको लोग बोले तू भंड है, तू पागल, इसको लोग मारने आ गए, इसके बारे में बोला कुछ भी, बेड़ा साइंटिस्ट है, कुछ भी बोलता है, डोक और पढ़ ले है, से बहुत सारी शिवया गाली इसको, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर भी ये बेचारा अपना रिसर्च कंटिन्यू करता रहा। फिर इसके बाद जो है एक और बंदा था जिसका नाम था हर्ट्स, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, एक और बंदा था जिसका नाम क्या था, हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स। तो जो हर्ट्स नाम का बंदा था, इस बंदे ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, जो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है फोटो सिंथेसिस से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इस बंदे ने क्या बताया कि जो मेटल प्लेट होती है, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल की प्लेट है, ठीक है क्या, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, तुम लोग अच्छे से पता है, सही है क्या। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, और मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। तो ये एक मेटल प्लेट है, ये एक सर्किट में लगी हुई है, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है
और ये एक सर्किट है, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ है, डिटेक्टर करंट डिटेक्ट करता है। अब ये मेटल की प्लेट है, इसके ऊपर जब मैं धूप गिराऊंगा ठीक है, तो जब इसके ऊपर सन की रेस पड़ती है ठीक है, ये सन की रेस पड़ी इसके ऊपर ठीक है, अब जो तेन धूप लग गया तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ठीक है क्या, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से छाव नहीं बनना है यार, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से ठीक है क्या। तो जैसे ही धूप लगती है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो सन लाइट के अंदर कुछ एनर्जी होती है क्या, अब जब एनर्जी होगी लाइट के अंदर तो एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, इजेक्ट आउट होता है, क्लियर होता है। बिकॉज जब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस स्टेट ऑफ एन एटम इज नोन एज आयनाइज एनर्जी। जब कुछ एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो जब एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। सामने कौन सी प्लेट लगी है, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को देखेगा तो क्या करेगा, वहीं रुका रहेगा कि भागेगा, उसके पास भागेगा, तो उसके पास भागेगा नहीं भागेगा, यस तो भागेगा। अब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्या मेटल में, नहीं ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं करोड़ों ठीक है। 1 ग्राम मेटल में कितने, 1 ग्राम मेटल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने पूरी सृष्टि के अंदर जो है क्या बोलते हैं, तो अगर तुम पूरे सृष्टि को, यूनिवर्स को ठीक है क्या बोलते हैं, इससे भरना चाहोगे एक अर्थ से ना, तभी भी पूरे नहीं होंगे, यू अंडरस्टैंड। हमारा जो ये है मिल्की वे, उसको पूरा अर्थ से भरना शुरू करोगे तो उससे दबा, उससे भी कई करोड़ों गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 ग्राम मेटल में, क्लियर है। दैट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव, क्लियर। सो कैसे समझना है, तो एक जो मोल होता है, 1 मोल कितना होता है, 1 मोल जो होता है दैट इज इक्वल टू, तुमको पता था मॉलिकुलर मास क्या, मॉलिकुलर मास, 1 मोल किसी का भी क्या होता है, उसका मॉलिकुलर मास होता है, क्लियर है। कोई भी चीज का 1 मोल उसका क्या होगा, मॉलिकुलर मास। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम लेता हूँ, सोडियम का मॉलिकुलर मास 23 होता है क्या, मतलब 23 ग्राम सोडियम कितना होगा, 1 मोल होगा क्या, सही है। अब 1 मोल में कितने होते हैं तुमको पता है, 6.023 × 10³²³ एटम्स, कितने होते हैं एटम्स, मतलब 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम होंगे, 10³²³ एटम्स, समझ में आया क्या, इतने एटम होंगे। अब एक सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, 11, तो कितने हो गए ये इंटू कितने तुम्हारा ये क्या बोलते हैं 11, कितना आएगा, कुछ भी हो पर 10³ समझ में आ रहा है तुमको, क्लियर है क्या। इतने इलेक्ट्रॉन्स किसमें हो जाएंगे तुम्हारे, 23 ग्राम सोडियम के अंदर, 23 ग्राम सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गए। अब सोचो जब मेटल की प्लेट लगाओगे 23 ग्राम की लगाओगे, कितने किलो भर के लगाओगे, सही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन से, समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, तो बथेरे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या, तो बथेरे इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे क्या, और जब बथेरे भागेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन जब भागते हैं तो करंट होता है कि नहीं होता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, तो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, समझ में आया। बट ये चीज क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि इस बंदे ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने ऑब्जर्व किया कि जैसे लाइट कंटिन्यूअसली पड़ रही है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहे। इसने शुरुआत में क्या किया, एक येलो बल्ब लिया, येलो बल्ब लिया, ये येलो कलर का दिख रहा है ना, येलो बल्ब लिया, इससे लाइट मारी ठीक है, पहले 0 वॉट का बल्ब लिया, कितने वॉट का, वॉट समझ में आता है तुम लोगों, वैट, WATT ठीक है, वैट पावर होती है बल्ब के अंदर की, देखो क्या बल्ब है ना, 9 वॉट का मिलता है, देखो एलईडी बल्ब सबसे पहले जो मिलता है ना, 9 वॉट का मिलता है, फिर 12 वॉट का मिलता है, 15 का 18 का, अलग अलग बल्ब मिलते हैं। मुझे कैसे पता, मैं दीदी की शादी में मैंने बहुत सारे बल्ब खरीदे थे ठीक है, मुझे पता है कितने वॉट के कौन से मिलते हैं ठीक है। सो एलईडी बल्ब मिलते हैं तुम लोगों के, तो ये जो वॉट्स होते हैं, ये वॉट उसकी पावर होती है, तुमने देखे होंगे गांव साइड में एकदम, कोई तो दूर साइड में कहीं तो बाथरूम रहता है, वॉशरूम, उस वॉशरूम के अंदर 0 वॉट का बल्ब रखा था है ना, जिसकी लाइट होना ना होना एक ही समान है, क्लियर है, गुड। तो ये वॉट होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसने येलो बल्ब लिया, कौन सा, 0 वॉट का, जब इसने 0 वॉट का बल्ब लिया तो इसमें जो है ये सर्किट, इसमें कुछ करंट दिखा, कितना करंट दिखा, मैं मान लेता हूँ समझो 2 एम्पियर, कितना करंट दिखा, 2 एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, शायद पढ़ा होगा तुम लोगों ना, यूनिट डायमेंशन जो है ना, भगवान भला करे ठीक है। तो किसने ढूंढा था एम्पियर, इसके नाम पे पता तुमको, एंड्रे एम्पियर, क्या नाम था, एंड्रे एम्पियर, इसने करंट के बारे में ढूंढा, इसलिए इसका करंट का यूनिट क्या दिया, एम्पियर ठीक है। जैसे अभी समझो घुमट कर कुछ ढूंढेगी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, घुमट कर, ये हेलीकॉप्टर ठीक है, 2 एम्पियर। तो उसके बाद जब इसने 100 वॉट का बल्ब लिया ठीक है,
या समझो 50 मान के चलते, चलो 50 वॉट का जब इसने बल्ब लिया, 50 वॉट के बल्ब के अंदर इसको करंट मिल रहा है 20 एम्पीयर, कितना? और जब इसने 100 वॉट का बल्ब ले लिया तो करंट बढ़ गया, दैट कम्स टू बी 100 एम्पीयर। समझ में आएगा? ये चीज ने ऑब्जर्व की येलो बल्ब के लिए, किसके लिए? येलो बल्ब के लिए। इसने सोचा आपका एक काम करते हैं, अलग बल्ब लेते हैं, रेड बल्ब लेते हैं, ठीक है। रेड बल्ब लिया इसने यहाँ पे, इसकी जगह पे, एलेक्सा टर्न ऑफ टर्न द लाइट कलर टू रेड, रेड को चेंज कर दिया हमने, ठीक है। इसी घर पे एलेक्सा, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस होगा। आप देखेंगे ना, समझो इसको, यू आर गोइंग करेक्ट। रेड बल्ब लिया गया, अब रेड बल्ब जब जीरो वॉट का लिया, कोई करंट नहीं दिखाया, जीरो करंट, नो डिटेक्ट, नो करंट डिटेक्टेड। देन नेक्स्ट, उसके बाद 100 वॉट का लिया, नो कलर डिटेक्टेड। 2000 वॉट का लिया, नो कलर डिटेक्टेड। बोला ये क्या बात हुई, है ना? रेड बल्ब लिया तो नो कलर, येलो बल्ब लिया तो कलर, है ना? कलर कलर, विच कलर डू यू वॉन्ट, ऐसा पूछा इसने इसको, किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूछा, कौन सा कलर चाहिए तेरे को, ठीक है। तो इसने देखा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई कुछ में जो है कलर आ रहा है, कुछ में क्यों नहीं आ रहा। तो और लाइट है, लाइट का पार्ट, लाइट का नेचर क्या होता है? वेव जैसा, तो वेव जैसा कंटिन्यूस नेचर है, तो लाइट जो है कंटिन्यूस तरीके से क्या करनी चाहिए, तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी को इमिट करनी चाहिए। तो ये सब डिफरेंसेस आ क्यों रहे हैं? तो ये हर्ट्ज समझ नहीं पाया था। तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन मिला नहीं था, क्लियर है। तो उसके बाद जो है एक बंदा आया जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ही इज द, ये छावा आएगा यहाँ पे, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन आते हैं, ही वॉज वन ऑफ द नोन साइंटिस्ट एट दैट टाइम, एंड ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करना लगे, बिकॉज इनको पता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसी चीज है जो धूप के ऊपर, जब धूप में मेटल रखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, सही है क्या? तो ये तो मजेदार चीज है ना, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो इसलिए काम की चीज है। तो इसके ऊपर अब इसको पता था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑलरेडी हर्ट्ज नाम के बंदे ने स्टडी किया, बट उसका एक्सप्लेनेशन उसको वो सही से दे नहीं पाया। तो इट रियली हर्ट्स टू हिम बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू गिव एक्सप्लेनेशन। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद जो है बहुत देर समझा इसको, बट उसके बाद जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसको भी मिल नहीं रहा। फिर इसने सोचा ना, फिर ये लाइट के बारे में पढ़ने लगा कि लाइट का नेचर क्या होता है। वो फिर इसको याद आया कि एक बंदा था जिसके घर पे लोग मारने आ गए थे, उसका नाम क्या था? मैक्स प्लैंक। तो याद है मैक्स प्लैंक नाम का बंदा था, उसकी कुछ तो वेगली साइंटिफिक थियरी थी ना, उसके घर पे लोग मारने आ गए थे। तो इसने सोचा कि चलो जाके उसको पूछेंगे, उसके बारे में पता लगाएंगे। जो साइंटिस्ट होता है वो कुछ तो भलता करता है, तो इसको पता था कि भाई वो उसको लोग मारने आए, मतलब उसने पक्का कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। उसके जब थियरीज को पढ़ा, उसके पास गया, सब पूछा, ताजा किया, और सब बाद में पता लगाने के बाद उसने जो है बोला कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो लाइट होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, क्या होती है? क्वांटाइज्ड। फिर उसके बाद जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, मैक्स प्लैंक की थियरी को यूज करके, और फाइनली प्रूव किया कि मैक्स प्लैंक की थियरी जो है लाइट के बारे में, दैट इज अ करेक्ट थियरी। और फिर लोगों ने मैक्स प्लैंक को सर पे चढ़ा लिया, है ना, और उसके नाम का एक इंस्टीट्यूट खोल दिया, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स, है ना, और एक इंस्टीट्यूट है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, उसी के अंदर और भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग निकल गए उस इंस्टीट्यूट से, और वो अभी भी है, ठीक है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट। तो ये जो है क्या बोलते हैं तुम लोग का, अल्बर्ट आइंस्टाइन के आने के बाद फाइनली मैक्स प्लैंक जो है उसको जो है फिर से उसकी इज्जत मिली, है ना, उसको लोगों ने जो है फिर से सर पे उठाया और बोला कि हाँ भाई तू मस्त साइंटिस्ट है, तू बहुत अच्छा काम करता है, तो ऐसा उसको बोल दिया। क्लियर हो गया क्या स्टोरी, समझ में आए सब लोगों को? ठीक है, तो लिखो, चलो मैक्स प्लैंक के बारे में लिखो थोड़ा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन लिख रहे हैं तुम लोग, कल कुछ लिखा था उसके अंदर? लिखो, बहुत सारा लिखवाना तुम लोग को, इतना सारा थियरी सुना दिया। लिखो बेन, वेन बॉडी स्लैश मटेरियल, वेन अ बॉडी स्लैश मटेरियल इज हीटेड, वेन अ बॉडी स्लैश मटेरियल इज हीटेड, it emits radiation, it emits
रेडिएशन। मैनी ऑफ द बॉडीज। मैनी ऑफ द बॉडीज डज नॉट इमिट और रेडिएट। डज नॉट इमिट और रेडिएट द कंप्लीट एनर्जी एब्जॉर्ब। द कंप्लीट एनर्जी एब्जॉर्ब। Because they are imperfect absorber of radiation. Because they are imperfect absorber of radiation. Next line. A black body which emits and absorbs the radiation of all frequency emits and absorbs. A black body which emits and absorbs the radiation of all frequency is known as a perfect absorber. A black body which emits and absorbs radiations of all frequencies, radiation of all frequencies is known as a perfect body. A black body which emits and absorbs radiation of all frequencies is known as perfect body or perfect black body. Kya bol rahe ho? Perfect body. Perfect body or perfect black body. Cut kar do, bolata hu. The radiations emitted by such body is known as the radiation emitted by such body is known as black body radiation. The radiation emitted by such body is known as black body radiation. लिखो सम ऑफ नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो सम ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय द एक्सपेरिमेंट। सम ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय द एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखो देखो द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी
अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर. The amount of light emitted from a black body and its spectral distribution depends only on its temperature. Next point, likho. As the temperature increases, maxima of curve shifts to shorter wavelength. As the temperature increases, the maxima of the curve shifts to short wavelength. Shifts to short wavelength. Here, a line. Copy करना. ये last के जो दो point लिखे हैं, वो star mark लगाओ. ठीक है. लिखो द वेव थियरी ऑफ लाइट डज नॉट एक्सप्लेन्स दिस फेनोमेनॉन. The wave theory of light does not explain this phenomenon. PHE. The wave theory of light does not explain this phenomenon. Next line. Max Planck's quantum theory gives a satisfactory answer. Max Planck's quantum theory gives a satisfactory explanation of this BBR black body radiation phenomenon Max Planck's quantum theory gives a satisfactory explanation of this black body radiation phenomenon. Likha. Ligo. He suggested the atoms slash oscillators. Isne atom ko oscillators bola hai, theek hai? He suggested atoms slash oscillators.
सजेस्टेड एटम स्लैश ऑसिलेटर्स, बोला ना हम लोग, ही कॉल्ड एटम एज ऑसिलेटर्स, एटम के दो नाम. ही सजेस्टेड एटम स्लैश ऑसिलेटर्स एब्जॉर्ब्स लाइट. मैनर की स्पेलिंग, मैनर मतलब शिस्त, तुम लोगों में नहीं है शायद स्पेलिंग भी ना है. डिस्क्रीट मैनर, देखो दिस स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज क्वांटा. दिस स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज क्वांटा. दिस स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज क्वांटास. स्पेलिंग लिखी हुई है. दिस स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज क्वांटास. समझ में आया क्वांटास क्या होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम साइंस, क्वांटम केमिस्ट्री, एनी साइंस विच डील्स विद द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और द लाइट. साइंस ऑफ लाइट इज नोन एज क्वांटम साइंस. लिख लिया, ठीक है. He gave a formula, लिखो. He gave an energy formula. He gave an energy formula. E is equals to h nu. इसका किया हुआ formula है, ठीक है ये. ये इसके बाद हमने डिराइव किया, ठीक है, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है क्या, तो ये वैल्यू पुट करेंगे उसमें तो ये आएगा, ठीक है. और ये ऑलरेडी तुमको लिखा है भाई, इसका दिया हुआ फॉर्मूला ये है, इज इक्वल टू एच न्यू. न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ. इज इक्वल टू एच न्यू मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. क्लियर है क्या? हाँ, अगले वाले पढ़ लेंगे. तो आज थर्सडे है ना, तो कल क्या है, ड्राई डे कहाँ, तो कल जितना होगा. अभी क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चलेगा ना, अभी कल तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चला जाएगा बहुत टाइम, तो उसकी वजह से नहीं हो पाएगा वो आगे के फॉर्मूलास. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाएगा एक दिन पूरा, कल का दिन तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चला जाएगा, वो समझ लो. तू बकरी ऐसे मैं कर या चिल्ला कुछ भी कर, मुझे जो डालना है मैं डाल दूंगा, नीचे मत ले. लिखा क्या, तो ये फॉर्मूला प्लैंक का दिया हुआ था, क्लियर है क्या? प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तुम लोगों को पता ही है. नेक्स्ट लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एडिंग डालो. ये वो ग्राफ के लिए जगह छोड़ दो, ये ग्राफ की जगह छोड़ो, ये ग्राफ बना लेना, ठीक है. इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है, ये याद रखना. T2 इज ग्रेटर देन T1, ये याद रखना. ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क लगा के बनाओ, पूछ लेते कभी कभी. ये ग्राफ की जगह छोड़ दो और नेक्स्ट लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये रही स्पेलिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, PHOTO, फोटो फिर इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लिखा क्या,
सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो हर्ट्ज नाम का बंदा है ना 18 सेंचुरी के एंड में, कितना है 1887 ना, ठीक है. तो 1887 के टाइम इसने जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है. इसको एक्सपेरिमेंट में तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या किया था. ये मेटल प्लेट थी तुम्हारी, ये एक मेटल प्लेट है. इस मेटल प्लेट पे जो है क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट है, ये डिटेक्टर है, क्लियर है क्या. इस मेटल प्लेट के ऊपर जो है सन लाइट पड़ती है, ये बल्ब की लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, क्लियर है क्या. ये चीज एक्सपेरिमेंट किया था. अब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था 1887 के अंदर एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने आया, तुमको मैंने बताया क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. येलो बल्ब में कलर आ रहा, रेड में कलर नहीं आ रहा, ठीक है. और करंट जो है उसकी ऐसी वैल्यूज क्यों आ रही है, करंट की डिस्क्रीट वैल्यूज आई थी क्यों नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो बहुत सारी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन आया और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है आके इसको एक्सप्लेन किया कि क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब तब तक अल्बर्ट आइंस्टाइन जान चुके थे कि लाइट जो होती है वो क्या बोलते हैं, वो कैसी होती है, क्वांटाइज होती है. कैसी होती है, क्वांटाइज, मतलब पैकेट्स के फॉर्म में आती है और पैकेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, क्लियर है क्या. सो लाइट विल कम इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, सही है क्या. तो लाइट का फॉर्मूला क्या, ई एनर्जी जो होती है कैसे आएगी, पैकेट के फॉर्म में आएगी क्या. सो ई इज इक्वल टू एन एच न्यू. अभी एन क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब क्या हो सकता है, आइदर एक एच न्यू एक पैकेट इजंट इट, या फिर कितना आ सकता है, दो पैकेट आ सकते हैं क्या, टू एच न्यू आ सकता है क्या, या फिर थ्री एच न्यू आ सकता है, ऐसे आ सकता है. बट एनर्जी कैन नॉट बी लाइक 1.5 एच, ऐसा आएगा क्या, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये सब पॉसिबल है. एनर्जी जो है कैसे आएंगे, आइदर पैकेट्स के फॉर्म में आएगा, सही है क्या. तो पैकेट्स के फॉर्म में ही आएगा, जैसे चिप्स आए तो चिप्स जब तुम लेने जाओगे तो चिप्स कैसे आएंगे, पैकेट्स के फॉर्म में आएंगे. तुम उसको बोलोगे क्या, भैया एक काम करो जो है क्या बोलते हैं हम लोगों को जो है, भैया 5 रुपए के चिप्स जो है हमारे पास 5 रुपए हुए नहीं, तो एक काम करो 3 रुपए हो, 3 रुपए के निकाल के दे देगा क्या तुमको, नहीं. चिप्स कैसे आते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में. सेम तरीके से एनर्जी कैसे आएगी, पैकेट आइदर एक आएगी या फिर क्या आएगी, दो, सही है क्या. 5 वाला पैकेट या 10 वाला पैकेट, सही है क्या. बीच का कोई पैकेट होता है क्या, 7 वाला, नहीं. तो आइदर 5 वाला पैकेट या 10 वाला पैकेट या फिर सीधा 30 वाला पैकेट, क्लियर है. तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, पैकेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, क्लियर होगा क्या. अब जब एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे निकलेंगे, वैसे ही निकलेंगे क्या, इजंट इट. अब जब इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही निकलेंगे तो एनर्जी जो करंट आएगा वो भी उसी तरीके से आएगा क्या. ये चीज अल्बर्ट आइंस्टाइन को समझ में आ चुकी थी और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके ऊपर कुछ पोस्टुलेट्स दिए. पहले तो ये बताया कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, समझ में आ गया क्या. और पैकेट्स कैसे बताया इसने, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, ये फॉर्मूला इसने दे दिया, ठीक है क्या. अब एन क्या होगा, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू होगी, ठीक है क्या, इंटीजर की वैल्यू, समझ में आता है, इंटीजर की वैल्यू 1, 2, 3, 4, पॉइंट वाली नहीं, ठीक है. तो अब इसने कुछ और चीजें बताई. अब इसने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दिया कि रेड बल्ब में क्यों नहीं आई कलर, रेड बल्ब में कलर क्यों नहीं आया. देखो इसने बताया कि जो लाइट होती है उसकी जो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्या ये फॉर्मूला किसने दिया था तुमको, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, किसने दिया है फॉर्मूला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला किसने दिया ये, मैक्स प्लैंक. तो हर्ट्ज के टाइम पे फॉर्मूला दिया था क्या, मैक्स प्लैंक, नहीं ना, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन को पता चल चुका था फॉर्मूला. मतलब एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, क्या सही है क्या. अब जो हर लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है क्या. अब हर लाइट की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी. अब समझो तुम्हारी जो विबग्योर होता है, ये विबग्योर है, इसके अंदर से मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की होगी क्या, वेवलेंथ ये साइड में बढ़ती है क्या, और सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, किसकी, तो एनर्जी ये साइड की ज्यादा होगी क्या, एनर्जी बोले फ्रीक्वेंसी बोले बात एक ही, ठीक है क्या. तो सबसे ज्यादा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जो है ये साइड की होगी क्या, तो रेड वाली की सबसे कम है ना एनर्जी, क्लियर है क्या. अब कोई भी इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो इलेक्ट्रॉन को निकलने की मिनिमम एनर्जी तो रिक्वायर्ड है कि नहीं, क्लियर है. इलेक्ट्रॉन को निकालना है तुमको मेटल सर्फेस से, तो मिनिमम एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी, सही है क्या, गुड. तो कितना मिनिमम एक एनर्जी चाहिए तुमको जो क्या करे तुम्हारा जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सके. अब रेड की एनर्जी इतनी है क्या, सफिशियंट इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, नहीं ना. रेड की फ्रीक्वेंसी कम है ना, बहुत रेड की एनर्जी बहुत कम है, इसकी वजह से रेड के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, समझ में आएगा. देयर रिक्वायर्स अ मिनिमम एनर्जी
है ना, सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट आउट. क्लियर होगा क्या? जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल जो है क्या बोलते हैं तुम्हारा एक ये होता है, एक बॉक्स होता है, जब तुम न्यू बॉर्नविटा का डब्बा लेते हो तो बॉर्नविटा के डब्बे पर एक वो स्टील जैसा क्या बोलते हैं सिल्वर कलर का कुछ तो लगा होता है ना, पैकेट पैकिंग, फिर उसको तुम फोड़ते हो, इजंट, उसको फोड़ने में मजा आता है. क्लियर है क्या? से उंगली डाल के फोड़ते हो, कभी कभी ज्यादा टाइट रहता है तो उंगली बेंड हो जाती है, नाखून बेंड हो जाता है ना, नहीं तो फिर चाकू लेके से मारते हो. तो वो उसके अगर समझो तुम ऐसे प्यार से करोगे टक टक तो फूटेगा क्या वो? एक मिनिमम एनर्जी तो चाहिए है ना. तुम बोलोगे सर मैं तो एनर्जी लगा रहा हूँ फूट की, बट देयर रिक्वायर्स अ मिनिमम एनर्जी टू ब्रेक दैट, सही है क्या? देयर रिक्वायर्स अ मिनिमम एनर्जी टू ब्रेक दैट सील. सेम तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? सबसे मिनिमम एनर्जी चाहिए. क्लियर है क्या? जिस तरीके से जब बॉयज लोग क्रिकेट खेलते हो तो तुम लोगों को पता होगा कि तुम लोग जो है ये फॉर एग्जाम्पल स्टम्प है, ठीक है, ये बॉलिंग एरिया है. अब जब जब फील्डर्स कम होते हैं तो तुम लोग क्या करते हो, एक रूल रखते हो, बिकॉज जब फील्डर कम रहेंगे तो मैक्सिमम फील्डर्स कहाँ रहते, बाउंड्री पे रहेंगे क्या? अब बाउंड्री पे फील्डर्स रहेंगे तो बंदा क्या करता है, सिर्फ टच करता है यहीं पे है ना, और रन भाग लेता है फटाफट. तो तुम लोग एक रूल बनाते हो कि कम से कम जो है इतनी दूर बॉल जाए तभी भाग के रन ले सकते हो. खेले होगे ऐसा है ना, बॉय लोगों को पता होगा जैसे खेले होंगे ऐसे, तो कुछ गर्ल्स भी खेले होंगे, तुम लोग ऐसे रूल बनाते हो इस लाइन के कम से कम बाहर जाएगी बॉल तभी तुरंत भाग के ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता, सही है क्या? सो देयर रिक्वायर्स अ मिनिमम. अब तुम बैट को कितनी बार भी बॉल पे टच करो, 10 बॉल आएगी या 50 बॉल आए, ठीक है, बट तुम सिर्फ हर बार प्लेट करते हो तो रन ले सकते हो क्या? नहीं. समझ में आया क्या? रन तभी ले पाओगे जब द बॉल विल गो आउटसाइड दिस सर्कल का. क्लियर है क्या? सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट आउट है ना, तुम उस पर कितनी भी लाइट मारो. जो तुमने देखा था रेड बल्ब की 0 वॉट लगाया, 100 वॉट लगाया, बट इलेक्ट्रॉन निकला क्या? नहीं. Isn't it? So, इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? अब देखो जो वॉट होता है ना, वॉट वॉट मतलब पावर, पावर डिपेंड्स अपॉन कि कितनी रेज आई है, कितनी रेज मतलब कितनी बॉल डाली. अब समझो मैं एक बॉल खेलूं या 50 बॉल खेलूं, बट हर बॉल पे अगर मैं प्लेट करता हूं तो कभी भी जो है क्या बोलते रन ले पाऊंगा क्या मैं? नहीं ना. तो वॉट क्या बताता है तुमको? वॉट बताता है तुमको कि कितनी रेज आएंगी, ठीक है. लाइट है ना, लाइट में से रेज निकलती है क्या? तो वो जो बल्ब है उस बल्ब में से कितनी रेज निकलेंगी ये कौन बताता है? वॉट. अगर 50 वॉट का तो कितनी रेज निकल रही, फॉर एग्जांपल 50 रेज. 100 वॉट का कितनी रेज निकल रही होगी? 100. अब 100 रेज निकले या 10 निकले, अगर मैं हर बॉल को प्लेट ही करता हूं तो फिर इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेगा क्या? नहीं ना. तो सेम थे, उसके लिए मुझे कम से कम जो है थोड़ा एनर्जी लगा के जो है हिट करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा वो इसके बाहर जाएगा. क्लियर है क्या? समझ में आएगा. तो उतनी एनर्जी रेड में है ही नहीं, रेड का कितना भी वॉट लगाओ बट इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं. बट येलो देखो, यहाँ पे ये येलो कलर है क्या? येलो की एनर्जी ज्यादा है क्या? इसलिए येलो में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है. क्लियर हो गया क्या? समझ में आएगा सब लोगों को? तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा ये किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे. किस पे? फ्रीक्वेंसी पे. समझ में आ गया क्या? द इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट आउट और नॉट, इट क्लियरली डिपेंड्स अपॉन वन टर्म, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी या एनर्जी बोल सकते हो. समझ में आ गया क्या? जब फ्रीक्वेंसी होगी, अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. अब भले तुम कितनी भी ज्यादा इंटेंसिटी रखो, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में फर्क होता है. इंटेंसिटी मतलब कितनी ज्यादा रेज है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक ही रेज की कितनी पावर है. समझ में आ रहा है? एक ही रेज की कितनी एनर्जी है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, है ना. क्लियर? इतना समझ में आता है तुम लोगों? ठीक है. सो इंटेंसिटी मतलब कितनी सारी रेज है, ठीक है. अब एक बल्ब में से 50 रेज निकल रही है और एक 100 वॉट का बल्ब देखोगे और 0 वॉट का, 0 वॉट का बल्ब से कितना रूम रोशन होता है? छोटा, मतलब बहुत कम एरिया आप में कवर करेगा क्या? और जो 100 वॉट का होता है ज्यादा एरिया कवर कर देगा, बिकॉज 100 वॉट में से ज्यादा रेज निकलती है क्या? सही है. तो जब ज्यादा वॉट होगा तो रेज क्या निकलेंगी? ज्यादा. समझ में आ गया क्या? एग्जाम्पल के तौर पर समझना तुम लोग को. तो ये एक स्लैब है, ठीक है, ये मेटल प्लेट है, एक मेटल प्लेट है. अब मैं 2 बल्ब लगाता हूँ, एक बल्ब है ये 0 वॉट का और एक बल्ब लगाता हूं मैं यहाँ पे ये 100 वॉट्स का. क्लियर है? अब 0 वॉट में से कितनी रेज निकलेंगी? फॉर एग्जाम्पल बहुत कम निकलेगी, ठीक है, कोई 15 एक रेज या 10 रेज, थोड़ी बहुत रेज निकलेगी. इसको हम येलो कलर देते हैं, ऑरेंज. इतना एरिया कवर कर पाएगा ये, ठीक है, और इसको हम कुछ रेड देते हैं. तो जो 100 वॉट करेगा ज्यादा रेजेगा, पूरा एरिया कवर हो जाएगा. क्लियर है? अब जब पूरा एरिया कवर होगा तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे निकलेंगे ना. क्लियर है? समझ में आया? सो वॉट क्या बताता है कि कितना एरिया पे लगा है, ठीक है, कितनी सारी रेज है. 100 रेज होंगी तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? 100. बट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे ये इस पर डिपेंड करता है उसके फ्रीक्वेंसी पे. समझ में आ गया क्या? क्लियर है? किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे, सही का. तुम 100 बॉल खेल लो,
बट 100 बॉल खेलने के बाद हर बॉल प्लेट की, तो रन होंगे क्या एक भी? नहीं, क्लियर है का? बट एक ही बॉल खेलो और पे ना अच्छे से सिक्स मारो तो 6 रन हो गए कि नहीं? तो 100 बॉल पे भी 0 रन हो सकते हैं और एक बॉल पे भी 6 रन हो सकते हैं. समझ में आ गया क्या? डिपेंड्स अपॉन. क्लियर हो गया? तो वॉट क्या होता है? वॉट मतलब इंटेंसिटी होती है. इंटेंसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ रेज है, कितने नंबर ऑफ रेज है. और क्या बोलते हैं? तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बताती है कि कितनी एनर्जी है, कितनी. ठीक है, क्लियर हो गया? गुड. सो इसके लिए येलो बल्ब में जो है कलर, येलो बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी दिखाएगा. अब येलो में दिखाएगा तो बताओ ग्रीन में दिखाएगा नहीं दिखाएगा? ग्रीन अगर मैं बल्ब लगाता हूँ तो बताओ कि करंट दिखाएगा नहीं दिखाएगा? दिखाएगा. वॉलेट में दिखाएगा? यस, डेफिनेटली दिखाएगा. यूवी में दिखाएगा? यूवी रेज में, आया ना? डेफिनेटली दिखाएगा. वॉलेट से ज्यादा एनर्जी होती है ना यूवी की, है कि नहीं? वॉलेट में भी दिखाएगा, सॉरी यूवी में भी दिखाएगा. सो विपग्योर होता है तुम्हारा, विपग्योर के ज्यादा आगे था यूवी. इसके आगे एक्सरे होता है क्या? इसके आगे गैमा होता है क्या? सही है. तो फिर वॉयलेट से ज्यादा है ना यूवी में, इसलिए सनलाइट में फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा? बिकॉज सन में कौन सी लाइट होती है? यूवी. तो यूवी है मोर लाइट देन वॉयलेट क्या? इना इसलिए इसका नाम क्या रखा? अल्ट्रा वॉयलेट. वॉयलेट से ज्यादा, इसलिए इसका नाम क्या रखा? अल्ट्रा वॉयलेट. समझ में आएगा? क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा कौन डिसाइड करता है? फ्रीक्वेंसी. कौन? अरे ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. कहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से यही क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, हर साल पूछा होगा क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे. समझ में आ गया क्या? और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो तुमको पूछेंगे कि नंबर, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या ना किस पर डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी पे. समझ में आ गया क्या? और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा ये किस पर डिपेंड करेगा? समझ में आ गया क्या? गुड. अब बात इसी से बनाते एक फॉर्मूला. फॉर्मूला देखो, जो एनर्जी है फोटोन की, फोटोन की एनर्जी है क्या? ठीक है. फोटोन की एनर्जी जो है कहाँ कहाँ पे खर्च होती है? सबसे पहले तो उसको कुछ एनर्जी लगी होगी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के अंदर क्या? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक फोटोन को एनर्जी लगती है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए. क्लियर है क्या? तो अगर मैं मानता हूं कि मैंने एक मेटल प्लेट ली, ये मेरी मेटल प्लेट है, ठीक है. इस मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दी है तुमको? 100. कितनी दी है? मतलब अगर मैं 100 की एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्या? ठीक है. तो देखिए, यहां मैंने बल्ब लगाया है, ठीक है. ये बल्ब लगाया है सबसे पहले, और मैं ये गिवन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन मतलब मैं कितनी एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है. और ये है मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर समझो कि मैं क्या बोलते हैं, ये 90 की एनर्जी देता हूँ. कितने की? ये बल्ब है, इस बल्ब में 90 की एनर्जी है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा? आया ना? अगर समझो मैं 90 की एनर्जी देता हूँ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं. 99 की एनर्जी देता हूँ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? 100 की एनर्जी देता हूँ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? क्लियर है क्या? अगर मैं 150 की एनर्जी देता हूँ, 150, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा. निकलेगा ना? गुड, इलेक्ट्रॉन निकल जाए. बट 50 एनर्जी तो एक्स्ट्रा बच गई ना. 100 तो निकालने में लग गई ना एनर्जी. 100 एनर्जी वॉज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. बाकी बची हुई एनर्जी का क्या करेंगे? दैट कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी. दैट कन्वर्ट्स इनटू द एनर्जी. अब जब 100 की एनर्जी दोगे तो 100 पे जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है क्या? तो ये इतनी एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? निकल जाए. समझ में आ गया क्या? बट निकलने के बाद है ना, इट विल जस्ट इजेक्ट आउट एंड जस्ट फॉल डाउन, यहीं पे गिर जाएगा. क्लियर है क्या? है ना, 100 के एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलता है, बट निकलने के बाद ये यहां से यहां तक भाग पाएगा क्या? नहीं, इसके पास कोई एनर्जी नहीं बचती, कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं कि ये भाग के जा पाए. सो एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इजेक्टेड आउट, है ना, बट डज नॉट हैव अ काइनेटिक एनर्जी. क्लियर हो गया क्या? सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द एनर्जी एट विच द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इजेक्टेड आउट विद जीरो काइनेटिक एनर्जी. क्लियर है क्या? बट जब मैं 150 की एनर्जी देता हूँ तो 150 में से 100 किसमें लग गई तुम्हारी? इजेक्ट में. क्या बच कितनी गई? 50 किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी. समझ में आ गया? तो अगर जब 150 की रेज देता हूँ तो 150 के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी बताओ? 50 बची क्या? और बाकी लोग इसमें 0, इसमें तो नहीं. क्लियर है? सो जो भी मैं एनर्जी दूंगा उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें खर्च होती है? इलेक्ट्रॉन को निकालने में. समझ में आ गया क्या? टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन. और बाकी की जो एनर्जी है वो किस पे कन्वर्ट हो जाती है? तुम्हारी. क्लियर हो गया क्या?
समझ में आ गया? सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और बची हुई जो एनर्जी है वो किस पे कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक। अब काइनेटिक एनर्जी कोई भी है ना इलेक्ट्रॉन की, वो किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे क्या? सो काइनेटिक एनर्जी तुमको पूछेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटोन किस पे डिपेंड करती है, तो क्या बोलोगे? डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया क्या? फ्रीक्वेंसी जैसी ज्यादा रहेगी वैसी वैसी क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। क्लियर, सबको समझ में आ गया? तो फॉर्मूला देखेंगे क्या बनेगा एनर्जी का फॉर्मूला। सी एनर्जी क्या, एनर्जी जो तुम दे रहे हो फोटोन की एनर्जी, फोटोन जो है जाके हिट हो रहा है, लाइट जो है फोटोन समझ में, लाइट लाइट जाके मेटल प्लेट पे हिट हो रही है, उसकी कुछ एनर्जी होगी क्या? ठीक है, अब एनर्जी किस पे डिपेंड करती है देखोगे तो कुछ एनर्जी किस में खर्च हो गई होगी? इलेक्ट्रॉन निकालने में। अब जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। इट इज अ वर्क ना टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, वर्क फंक्शन। ओमेगा नहीं है, ठीक है, दिस वर्क फंक्शन। और बची हुई एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके बाद एनर्जी का क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का। जिस तरीके से तुम्हारी मम्मी तुमको बोलती है कि भाई एक काम करो, तुमको जो है 500 रुपए देती हूँ और जाके सब्जी ले आओ, ठीक है, अब तुमको पता है कि सब्जी लेके आने में 300 रुपए लगने वाले, तो बचे हुए पैसे क्या हो जाते हैं? तुम्हारे हो जाते हैं, ठीक है। मम्मी बोलती है बाकी पैसे तुम ले लेना, वो होगा नहीं है ना, वो बात अलग है, बट फिर भी यूजुअली तुम लोग जब दूध लेने बेचती हो, सामान लेने बेचती हो, बॉयज को एक्सपीरियंस होगा बचपन में है ना, बोलती है तुम ऑलरेडी उसमें रिश्वत काट के लेते हो, बॉयज लोग किए होंगे ऐसे ना, जब ज्यादा बार सामान लेने मम्मी बेचती है तो बोलती है कि 20 रुपए का ये सामान लेना, तो बोलते हैं फिर एक काम करो 25 रुपए दो तभी जाऊंगा, तो मम्मी बोलती है ठीक है ले 25 रुपए, तो 5 रुपए हमारे होते, जब 5 रुपए का कुछ खाने को दोगे तभी सामान लेने जाते थे। बॉयज को एक्सपीरियंस होगा, ऐसे किया होगा, मैं तो ऐसा करता था ठीक है बचपन में कि मम्मी से एक्स्ट्रा पैसा लेता था, कोई रिश्वत मांगते थे कि सामान लेके आने के। सो अगर समझो तुम लोगों को मम्मी ने बोला कि ये ले 500 रुपीज, इसमें से जो है कुछ सामान लेना, और सामान लेके आने में तुमको कितने लगेंगे? 400, बच्चे भी कितने हो गए 100 का, तो जो टोटल पैसे दिए वो तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कितने का सामान आया और कितने का तुम्हारे पास बच गया? तो जो टोटल एनर्जी थी फोटोन की, अब तुमको तो पता नहीं कि एनर्जी कितनी आके गिरी है ना मेटल प्लेट के ऊपर, सन की एनर्जी आके गिरी क्या? अब बल्ब तुम लगाते हो तो तुमको पता है बल्ब की एनर्जी कितनी है, सही क्या? बट अगर सनलाइट आ रही है, सनलाइट आके मेटल की प्लेट पे गिरी, अब तुमको कैलकुलेट करना है कि सनलाइट की एनर्जी कितनी है, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्या है ना, कितना इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगती है ये तुमको पता होगी, और साथ में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, ये दो चीजों का कैलकुलेट कर लोगे तो तुमको एनर्जी मिल जाएगी। सो दिस वॉज द फॉर्मूला विच वॉज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन टू कैलकुलेट द एनर्जी, ठीक है क्या? एनर्जी ऑफ अ फोटोन। सो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज नथिंग बट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, लिखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। टाइम हो गया क्या? लेट इट, बाकी का कल लिखेंगे, कल इसमें सम सॉल्व करने हैं।